स्वागत है आपका चुन्नू की रसोई में। हम बनाने जा रहे हैं मोदक, तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ रखा है पैन और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी। आप यहाँ बटर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करूँगी। आप मेज़र अपनी घर वाली चम्मच से भी कर सकते हैं, वो 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना। देखिए फ्रेंड्स, दूध और घी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। मैं इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी का यूज कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारा मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अच्छे से मिक्स रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कोको पाउडर। आप यहाँ चॉकलेट पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। गाइस, रेड वेलवेट का केक तो बहुत हो गया, अब हम बना रहे हैं रेड वेलवेट के मोदक। इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड कलर, रेड फूड कलर। उसके बाद फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस और साथ ही ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप मिल्क पाउडर। मेजरमेंट में बताऊँ तो 125 ग्राम है। इसी के साथ 1/3 कप काजू पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 85 ग्राम है। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे चलाना है। ये देखिए मिक्स हो गया है। अरे वाह, कितना अच्छा कलर आया है, आप देख लीजिए। और इसने पैन भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। और अब हम बनाते हैं इसकी फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक बाउल और मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ पिस्ता 2 चम्मच और बारीक कटा हुआ काजू 2 चम्मच और साथ ही ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बादाम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे मिक्स करने के लिए इसमें 1 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज किया था फ्रेंड्स, वो स्किप हो गया था, आप ऐड कर लें। आप कंडेंस्ड मिल्क की जगह घी या मलाई का भी यूज कर सकते हैं। फिलिंग हमारी रेडी है, तो हम अपना मिक्स चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसके गोल गोल लड्डू बनने, इसका मतलब एकदम परफेक्ट है मोदक बनाने के लिए। तो अब लेते हैं अपना मोदक बोल्ड और पहले इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। देखिए हम बोल्ड को ऐसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मोल्ड तो एकदम रेडी हो गया है नहा धो के, तो हम चलते हैं अपने मोदक बनाने की प्रोसेस में। पहले हम क्या करेंगे ना, एक हाथ में ही एक लड्डू का शेप दे लेंगे अपने मिस्क का और उसे अच्छे से मोल्ड में प्रेस करते हुए भरेंगे। अच्छे से प्रेस करते आएंगे, ये देख लीजिए अच्छे से प्रेस करना है। थोड़ा सा और लेके इस पर अच्छे से प्रेस करूँगी। आप सोच रहे होंगे कि फिलिंग बनाई है उसका क्या करूँगी मैं, तो घबराइए मत, हम फिलिंग को लास्ट में लगाएंगे। ये देखिए मैंने उठाई फिलिंग और इसे भी हमें अच्छे से प्रेस करना है। एक यूनिक सा यम्मी सा लुक देने वाली हूँ मैं इसे। अच्छे से प्रेस करना है, हमें खुलना नहीं चाहिए। और फाइनली 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 मोदक हमारा रेडी है। मैं इसे ओपन कर रही हूँ और ये देखिए, वाओ, मुझे तो ना एक गाना याद आ रहा है, मैं बताती हूँ। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। गाइस, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड सब्सक्राइब के बगल से जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करिए, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुके। थैंक यू, अगली वीडियो मिलते हैं।